तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज खेल रहे हैं रिकॉल वाला गेम प्ले, और जैसे ही नीचे उतरता हूँ गोली चलना चालू। अब बताने की जरूरत तो है नहीं कि भाई मिल्टा में उतरे। खैर उतरने के बाद यहाँ पर लूट कर ही रहा होता हूँ कि लूट करते करते इतने में भैया यहाँ पर एक बंदा अंदर घुसता है सीधा, तो देखो उसको कैसे पकड़ते हैं। तो अब इसको फिनिश करने आगे बढ़ता हूं, तो इसकी पेटी बनाते हैं, और इसकी पेटी को लूटने के बाद यहां पर स्कार रॉयल और UMP 45 का कॉम्बो हो जाता है। और भाई यहां पर थोड़ी और लूट कर ही रहा होता हूं कि इतने में भाई दो नंबर को कोई नॉकआउट कर देता है। उसकी फाइट किसी से हो जाती है और वो बोलता है कि भाई सामने वाली छत पर कोई है, तो फिर मैं सामने वाली छत पर पहुंचता हूं, और उसके बाद क्या होता है वो तुम देखो। अब जैसा कि तुम यहां पर सुन पा रहे हो फुटस्टेप भी आ रहे, तो भाई बंदा भी दिखता है। नीचे अब यहाँ पर फुटस्टेप आने लगता है, तो मुझे लगता है इसके बाकी के बंदे ऊपर आ रहे, लेकिन वो ऊपर नहीं अंदर चले जाते हैं कमरे के। तो फिर क्या, इसकी पेटी बनाते हैं। खैर तो इसकी तो यहाँ पर पेटी बना दी। अब दो बंदे जो नीचे की तरफ बचे हैं भाई, उनमें से एक बंदे की क्या ही गजब पेटी बनाऊंगा अभी देखना तुम। खैर मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ। पूरे नीचे फ्लोर में दो लोग हैं, पूरे नीचे फ्लोर में दो लोग हैं। अब जैसा कि तुमने यहाँ पर सुना कि भाई हमारे टीममेट ने बोला कि भाई नीचे के फ्लोर में दो बंदे हैं पूरे, तो मैं नीचे देखने लग जाता हूँ कि भाई नीचे की तरफ कहाँ है बंदे, लेकिन नीचे की तरफ घंटा भी कोई नहीं मिलता। तो मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर भाई नेड आ जाता है। अब यहाँ पर तो मैं बाल बाल बच गया, और भाई ये जो नेड आगे से आया था, तो मैं आगे देखता हूँ और भाई बंदे की गन जो है मुझे ग्लिच होके दीवार के आर पार दिख जाती है। तो मैं समझ जाता हूँ कि बंदा कहाँ पर है। दिख गया ना तुम लोगों को भी, देखो भाई वहां पर उसकी गन की जो है नली मुझे दिख रही है। तो मैंने सीधा सबको बोल दिया कि भाई मैं नेड कर रहा हूँ, सब लोग हट जाओ। तो मैंने नेड किया और सीधा मस्त पकाया और फेंक दिया जा करके उस खिड़की में, और फिर हमें क्या मिला देख लो भाई। किल चोरी में जा रहे बा, मेरे तीन किल चोरी में जा रहे बा, मैं नहीं खेलता गेम। तो गाइज यहाँ पर अब मैं अपनी बात नहीं करूंगा कि मैंने नेट से कैसे उस बंदे की पेटी बनाई। मैं यहाँ पर यह बात करूंगा कि भाई यहाँ पर ये शायद दो नंबर है कि तीन नंबर है, मुझे नहीं पता। यहाँ पर सबका ही माइक खुला है, ये कहता है कि भाई मेरे किल यहाँ पर कौन चोरी कर रहा है। अब भाई मैंने तो किल चोरी नहीं की, तो मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन यार सुन करके बड़ा ही मजा आया। खैर चलो यार अब आगे की बात करते। तो यार हम यहाँ से आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि आगे का जो एरिया यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पर एक स्क्वाड कैंप कर रही होती है पूरी। तो भैया उसके बाद यहाँ पर क्या होता है देखना यार, मतलब तीन बंदों को लपेट जाऊंगा, लेकिन मतलब क्या ही बताओ तुम देखो यार, मैं नहीं बोलूंगा। ये ओपन में था तो इसको पकड़ लेते, लेकिन बाकी के बंदे छुपे हुए हैं। मार्क्ड लोकेशन। अब ये वो मौका है जहां पर एक नंबर पकड़ा जाता है। ए भाई, भाई। अब यहाँ पर मुझे लगता है लगभग मामला खत्म, लेकिन यार नहीं भाई। फुल फुल फुल, फुल कैप चल रहा, देखो अंदर मजा भाई, फुल कैप देखो। मार्क द लोकेशन, डोंट गिव अप, योर टीममेट्स नीड यू। अंदर घुस के भाई एक को तो जैसे तैसे ड्रॉप शॉट दे दिया, लेकिन भाई दूसरा मुंह पे ही घुस गया। खैर मैंने इनको बोला भाई एक ही बंदा है, जाकर के पेलो यार उसे। अब इनके टीम का ये जो आखिरी वाला बंदा था ना, एकदम सही खेल गया यार। मतलब देख रहे हो यहाँ पर, मतलब सबको ऑलमोस्ट खा ही गया था, लेकिन जैसे तैसे भाई तीन नंबर ने बचा लिया, और इसकी भी यहाँ पर तुम हेल्थ देख सकते हो। तो खैर यहाँ पर भाई रिवाइव शिवाइव का इनका गेम चलता है, और भाई ये सीधा खंबे पे पहुंचते हैं और हमें रिकॉल करते हैं, और फिर सीधा हम प्लेन से लैंड करके गाड़ी पकड़ते हैं और भाई कुछ गन लूटते हैं, और उसके बाद सीधा मिल्टा के पुल पे पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर एक स्क्वाड कैंपिंग कर रही थी। और उसके बाद देखो बॉडी शॉट दो एक।
अब जैसे ही हम गाड़ी को लेकर के यहाँ पहुंचते हैं तो भाई सीधा मेरे गोली कान के पास से गुजरती है और मैं सीधा पानी में कूद जाता हूँ। और यहाँ पर मेरा प्लान ये था कि भाई मैं फ्लैंक मार के पीछे से जाऊंगा और भाई इन सबकी पेटी बना दूंगा और इनका ध्यान भटकाने के लिए बाकी के टीममेट वहां से फायरिंग देते रहेंगे। लेकिन जब तक मैं वहां पर पहुंचता हूं, इनके तीन बंदे की पेटी हमारे टीममेट्स बना देते हैं, लेकिन आखिरी वाला बंदा इनका फिर से सही खेल जाता है यार। ऑलमोस्ट एक नंबर और दो नंबर को ये खत्म करने वाला था, लेकिन मैं सही मौके पर पहुंच गया। आगे देखो नॉक नॉक नॉक, घुसो घुसो, लास्ट है मैनुअल, देखो लास्ट है। तो गाइस अभी से कहते हैं एकदम सही मौके पे एंट्री लेना। आगे देखो और गाड़ी को लेकर के भाई थोड़ा आगे निकले ही थे यहाँ पर कि गाड़ी वाले बंदे दिखते हैं और उसके बाद तो गाइस अभी से कहते भाई खुद गर्ज गिरी। यहाँ पर भाई इसका पार्टनर उतरता कि भाई हम दोनों मिल करके भाई इनके यहाँ पर पेटियाँ डालेंगे, लेकिन इसका बंदा गाड़ी को लेकर के सीधा यहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर मैं इस बंदे को पकड़ के इसकी पेटी डाल देता हूँ। खैर यहाँ पर हम इस बंदे को ढूंढने की भी कोशिश करते हैं इस गाड़ी वाले को, पर यह मिलता तो नहीं है। पर रस्ते में भाई ड्रॉप मिल जाता है, उसमें से मुझे AWM मिल जाती है और AWM को लेने के बाद भाई एक गुमनाम जगह पर जोन बन रहा होता है, तो वहाँ पर हम पहुँचते हैं। और उसके बाद भाई यहाँ पर ना चारों तरफ बंदे होते हैं, हमारे आगे की साइड भी बंदे होते हैं, हमारे साइड में एक वेयर हाउस होता है उसमें भी बंदे कैंपिंग कर रहे होते हैं और पीछे की साइड जो झाड़ियों में पहाड़ है, छोटे ढलान है, वहां पर भी बंदे होते हैं। तो भाई वेयर हाउस में जो बंदे होते हैं ना, उसमें से एक बंदा मुझे दिखता है, फिर क्या होता है वो देखो। पहले मार्क्ड लोकेशन, तो इस वेयर हाउस वाले की पेटी बनाने के बाद भाई मैं छपड़े पे चढ़ के पीछे की तरफ देख रहा होता हूँ पीछे वाले बंदों को, कि इतने में भैया आगे वाले बंदे कहते कि हमें भी देख लो जरा। अब इसको जैसे तैसे करके भाई AWM का बॉडी शॉट तो लगा, लेकिन इसके बाद ये छुप जाता है और उसके बाद अपनी मुंह दिखाई नहीं करता है। तो मैं पीछे की तरफ देखने लग जाता हूँ कि इतने में ये फिर से अपनी मुंह दिखाई करने आ ही जाता है। पीछे मार रहे हैं भाई, फोन में दिख रहा था। किधर किधर ऊपर बार बार उंगली करे जा रहा था, लेकिन इस बार नहीं भाई, इस बार सीधा एक पट से हेडशॉट दिया और यहाँ पर सीधा नॉकआउट कर दिया। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि ये रिवाइव हो जाता है। अब यहाँ पर सीन क्या होता है कि ये जो छः के छः बंदे बाकी है ना, ये सारे मतलब एकदम कैंपिंग करके बैठ जाते हैं, लेकिन जब आखिरी का जोन आता है ना तो सारे स्मोक करके निकलना चालू कर देते हैं अपने अपने एरिया से, कि इतने में भाई पीछे वाले जो बंदे होते हैं ना वो आने लग जाते हैं। तो पहले उनको लपेटता हूँ फिर आगे वालों को देखूंगा। अब पीछे वालों को तो लपेट लिया, लेकिन अब आगे वालों की बारी थी, लेकिन पहले फर्स्ट एड तो लगा लूं। अब जैसे तैसे करके नॉकआउट तो कर दिया, लेकिन किल कंफर्म करने की कोशिश करता हूं। तो गाइस यहाँ पर नेड करने से तो कुछ नहीं होता क्योंकि यार यहाँ पर ये बंदा हट चुका था, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे इसकी किल मिल जाती है क्योंकि इसको कोई भी बचाने नहीं आता है। और यहाँ पर ये जो कापा जैसी गुड़िया होती है ना, थोड़ी देर बाद मैं इसको फेंकता हूँ और ये बवंडर जैसा कुछ घूमता है और भाई ये एकदम नाचता हुआ निकलता है और थोड़ी देर बाद भाई मुझे ही डैमेज पहुँचा देता है। ये देखो पहले तुम। तो गाइस जैसे इस बेवकूफ कापा ने मुझे मारा ना, तो मैं समझ गया कि भैया मतलब मामला गड़बड़ा, तो मैं सीधा आगे की तरफ निकल जाता हूँ खुद ही आगे रश करने के लिए। तो भाई उसके बाद क्या होता है वो देखो। मुझे आगे ना करो, ए भाई आगे ना करो, नेड फेंको, नेड फेंको मत जा।
तो भाई यहाँ पर दिया जंप शॉट का बदला भाई ड्रॉप शॉट के साथ, और इसी के साथ साथ हमारा यहाँ पर हो जाता भाई बेनर बेनर मुर्गी डिनर। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो अभी तक वीडियो में ये बोला नहीं कि भाई लाइक बटन दबा देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर के ज़रूर कर देना। तो भैया कुल मिला करके मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे भाई, सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो। तो भाई टाटा सायोनारा बाय बाय। Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going.